इंदौर में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने प्याज और दाल के भाव में आए उछाल पर पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी का पुतला दहन कर गुजरात में भड़के दंगों का जिम्मेदार भी पीएम मोदी और गुजरात सीएम आनंदीबेन पटेल को ठहराया। इंदौर में कांग्रेस नेताओं ने एक बार फिर महंगाई के मुद्दे पर पीएम मोदी पर निशाना साधा और कार्यालय पर ही उनका पुतला दहन किया गया। यहां पीएम मोदी के खिलाफ कांग्रेसी नेताओं ने जमकर नारेबाजी करते हुए महंगाई का जिम्मेदार पीएम मोदी को बताया, साथ ही गुजरात में हुए दंगों का जिम्मेदार सीएम आनंदीबेन को ठहराया। बंद करो, बंद करो, बंद करो। मोदी सरकार हाय 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 हाय। मोदी की सरकार की मनमानी नहीं चलेगी। देश में प्याज के भाव गरीब की पहुंच से दूर होते जा रहे हैं, दालों के भाव दूर होते जा रहे हैं, पूरा देश महंगाई में हाहाकार कर रहा है। और ऐसे समय महंगाई की समस्या को हल करने की बजाय मेरा सीधा आरोप है नरेंद्र मोदी जी पे कि उन्होंने गुजरात के दंगे करवाकर लोगों का ध्यान महंगाई से हटाने का प्रयास किया है। और एक सुनियोजित षड्यंत्र है, जिस तरह से पटेलों की हार्दिक पटेल ने पहले से घोषित किया था कि एक बड़ी रैली निकलेगी, तो आनंदीबेन पटेल ने क्यों नहीं सुरक्षा की व्यवस्था करी, क्यों दंगे भड़कने दिए गए। ये सीधा सीधा नरेंद्र मोदी का षड्यंत्र है कि महंगाई पे काबू कर नहीं पा रहे हैं, दंगे भड़काकर जनता का ध्यान हटाना चाहते हैं। इस पुतला दहन में एक हादसा होते होते बच गया। दरअसल कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी के पुतले पर पेट्रोल डालकर आग लगाने का प्रयास किया और आग अचानक से बढ़ गई, जिसके बाद सभी ने पुतले को छोड़ दिया और भागने लगे। कांग्रेस के इस प्रदर्शन में किसी भी तरह का हादसा हो सकता था। ब्यूरो रिपोर्ट, डी लाइव न्यूज।